आई होप आप सब घर पर हैं और आप लोग सब सेफ हैं। एक्चुअली मुझे लगा कि मैं स्किन केयर और मेकअप वीडियोस नहीं डालती हूँ एट दिस टाइम, बिकॉज इवन इफ आई पुट, वो कुछ हेल्पफुल नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप कुछ खरीद नहीं पाएंगे। और इस समय आई थिंक हमको अननेसेसरीली इन द सेंस कि जो चीज़ अभी राइट नाउ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको नहीं खरीदनी चाहिए, बिकॉज बेसिक फेस वॉश, मेकअप एंड एवरीथिंग यू गाइस विल हैव। एंड इवन इफ आई सजेस्ट यू टू डू सम मेकअप, आप घर बैठ के क्यों करेंगे मेकअप, है ना? तो इसलिए मैंने सोचा दैट आई शुड व्लॉग टुडे एंड आई एम हियर विद इट। सो दैट्स हाउ माई डे स्टार्ट्स। आई गेट अप, आई हैव सम वॉर्म वाटर जो मैं पी चुकी हूँ, एंड देन आई इट्स लाइक इट्स 10:50 राइट नाउ, और हम करेंगे हमारे रूम की सफाई पहले। सो आई डू झाड़ू एंड डस्टिंग एंड ऑल दैट फॉर माई रूम। आई एक्चुअली बेसिकली मेक माई रूम। सो हम लोग एक्चुअली रिकॉर्डिंग के लिए यू हैव टू स्विच ऑफ द फैन एंड इट्स सुपर सुपर हॉट एनी वे। सो यस, हम लोग ने क्या किया है हमारे घर पे, अगर आपने मेरा अगर आपने मेरा कैप्शन पढ़ा होगा तो हमने सबने कुछ को ड्यूटीज ली हैं। सो मेरी ड्यूटी इज टू डू द डस्टिंग एंड द झाड़ू एंड ऑल दैट, एंड इवन माय डैड इज़ हेल्पिंग अस। सो मैं आपको सब दिखाती हूँ कि सब लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली घर पर। सो आई होप कि आपको ये देखकर अच्छा लगे, यू विल इन्जॉय दिस, एंड I don't know if you can suggest me something else to make for you guys. I would love to make जो भी जो आपके लिए helpful हो सकता है. And yeah, now yesterday at the speech, because it's Wednesday today and you're watching on Thursday, so yesterday at the speech Modi ji said that 21 days का lockdown है. I know it sounds एक बैल्कनी मैं जस्ट सॉ छिपकली, सॉरी। ओके, सो उन्होंने बोला है कि 21 डेज का लॉकडाउन है एंड आई थिंक वी ऑल शुड डू दैट, इवन दो सब ग्रोसरी मेडिकल शॉप्स खुली है। सो एवरीबडी स्टार्टेड पैनिकिंग और सब लोग इधर उधर जाने लगे, बट दैट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। पर शायद उन्होंने कन्वे नहीं किया था अपनी स्पीच में कि ये सब खुला रहेगा, दैट्स व्हाई पीपल स्टार्टेड पैनिकिंग। But anyway, let's get started with the day now and welcome to my vlogs. I will make sure कि अभी हमारे पास 3 weeks है lockdown के, तो at least मैं every week एक vlog तो डाल दूँ, और भी videos बनाना चाहती हूँ, but please suggest me what should I do being into skincare, hair care and makeup. इतना कुछ समझ में नहीं आता है, and like even if I do fashion तो समझ में नहीं आ रहा what exactly to do. तो you guys can help me, please do that, we can make a lot, like हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आई एम वेरी वेरी एक्टिव, सो प्लीज़ गो एंड फॉलो मी देयर। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट कुकिंग एंड एवरीथिंग, तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ पे फॉलो ज़रूर कीजिए। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर डे नाउ एंड वेलकम टू माई व्लॉग्स। आई लव यू गाइज, प्लीज़ बी होम, प्लीज़ बी सेफ, एंड वी ऑल आर वेरी वेरी हेल्दी एंड वी कैन गेट थ्रू दिस। ओके, लेट्स गो। सो नाउ time to do some dusting and झाड़ू, but before that let me show you what everybody is doing at home. So yes, papa is also working. What are you doing papa? जय माता की। मैं तो सब लोगों से, अपनी फैमिली और बच्चों से कहूंगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अगर टाइम पास नहीं हो रहा तो यू कैन सपोर्ट, किचन में सपोर्ट करें, पिक्चर देखो, गेम खेलो, बट हार मत जाओ प्लीज। ये हम लोग अपनी फैमिली के लिए करें तो yes, बहुत अच्छा रहेगा। let's just not go out and yes. work at home. There is so much to do at home. तो हम सब कर सकते हैं। और माता नहीं चाहेगी, आज से हमने व्रत भी रखे हैं नवरात्रों के, बहुत सब कुछ बहुत जल्दी होगा, लेकिन हमको अपने से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, प्लीज। Okay, so let's do it and let's do the cleaning now. Be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone and I'm just singing Another time, another
अच्छा ओहो पूरा लाइट वाइट परफेक्ट करके, तेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी दे दूंगी नीचे, सो पीपल कैन गो एंड फॉलो यू. दैट्स इट, यू डोंट वांट टू से एनीथिंग एल्स? स्टे सेफ, स्टे होम, रीड बुक्स, वॉच मूवीज एंड लव ऑन. वाह. Second hand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We could go till we're older, put your head on my shoulder, and let's enjoy the ride. When we started, our wishes aligned. We were like yin and yang combined. Now the tables have turned. Can we live and learn? You tell me. Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We could go till we're older, put your head on my shoulder. Hi, so I'm ready now, ready for the day. If you guys know and if you follow me, तब आपको पता होगा कि मैं intermittent diet करती हूँ, and that's why I don't have breakfast और मैं सीधा brunch करती हूँ. So now it's my brunch time, and I was thinking I can make a separate video about what do I eat, otherwise this vlog will be really really long. So yes, I will see you guys after my brunch, and I hope आप लोग healthy खा रहे हो. And yeah, अब तो बाहर से भी नहीं खा सकते. I can't wait to eat from outside. After 21 days, hopefully when everything will be perfect. तो सबसे पहले आप क्या खाएंगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए. मैं खाऊंगी पिज्जा. मामा आज क्या बन रहा है? रोटी आलू दही. तो हमारा लंच हो चुका है और अब मैं खाऊंगी बिस्किट्स. एंड क्योंकि मुझे खाना खाने के बाद हमेशा कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो इसीलिए. एंड आई ऑल्सो वॉच समथिंग, एंड फिर देखते हैं कि क्या करना है. बिकॉज एवरी डे ड्यूरिंग दिस टाइम आई डू डिफरेंट थिंग्स. एटलीस्ट आई ट्राई कि थोड़ा प्रोडक्टिव हो जाए. सो येस, इन केस मैं कुछ अलग करूँगी तो आई विल शो यू गाइस. बट अभी आई एम गोना वॉच फ्रेंड्स एंड हैव माय बिस्किट्स. सो हेलो, आई एम बैक और मैंने फ्रेंड देख लिया. अब मुझे बहुत बोर हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि मैं अभी आफ्टरनून में सो जाऊँ, नहीं तो फिर रात को नींद नहीं आती है. तो आई हैव डिसाइडेड कि आज मैंने हेयर वॉश भी किया है. सो आई डिसाइडेड दैट आई एम गोना क्रिम्प माई हेयर टुडे. एंड मैं यही वाला क्रिम्पिंग मशीन यूज़ करती हूँ. इवन तो आई गोना बाय अ न्यू वन. मुझे वो लूज कर्ल्स वाला लेना है. आई डोंट नो when, but after all this thing is done, I'm gonna buy it. So this is basically from Vega, and ye andar se iski jo plates hoti hai wo aisi hoti hai, and that's why ke baad paise se ho jata hai. So I'm just gonna do a little bit of it. Also this gives you nice volume and all, to jinki bahut straight hair hai unko ye bahut amazing lagega. So I'm gonna do this now. I just crimped my hair. मैंने ऐसे ही ऊपर ऊपर से कर दिया because I was getting so bored and I finally did it. अब अच्छा लग रहा है, like my hair looking nice. I generally on everyday basis don't style my hair. मैं dryer भी बहुत कम use करती हूँ. I just try to naturally dry them, but it feels good. जो वैसे ready when you bed too. So yes, what's the time right now? It's mama time क्या हुआ? 2:53 तो 3 बज गया है. 5 o'clock आई एम गोना डू माई वर्कआउट
एंड यस फिर मैंने सोचा कि आई एम गोना टीच यू हाउ टू मेक दिस लिटिल स्नैक वी मेक इट एट होम. हम बिस्किट से बनाते हैं वो स्नैक, तो आई एम गोना टीच यू दैट टू. तो अगर आप वो बनाएंगे तो प्लीज़ लेट मी नो. सो आई विल सी यू बिफोर माई वर्कआउट नाउ. एंड मेरी एक वर्कआउट की जो वीडियो भी है जो आप घर पर वर्कआउट कर सकते हैं, वो मैंने बहुत पहले मैंने एक वर्कआउट की वीडियो शूट की थी एंड वो मैं यहाँ लिंक कर दूंगी. तो बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज, बेसिक योगा एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर पे खुद कर सकते हैं एंड इट बिकम्स वेरी वेरी इजी. तो अभी आई एम जस्ट गोना बी ऑन इंस्टाग्राम एंड या और मैं आप लोग, मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर डाले, सो आई एम जस्ट गोना आंसर एवरीबॉडीज क्वेश्चंस एंड यस क्वेश्चंस व्हिच आर राइट हियर बिकॉज़ कैमरा. सो मैं यहाँ पे सब आंसर कर रही हूँ क्वेश्चन. सो यस आई कीप डूइंग दिस क्यू एंड ए आजकल तो बहुत ज़्यादा. सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. या सो आई विल सी यू इन अ व्हाइल व्हेन आई विल बी डूइंग माय वर्कआउट. एंड मम्मा क्या कर रहे हो आप? मम्मी मम्मी उधर जाके बैठ गई. मम्मी इज टू शाय टू बी ऑन कैमरा. एनीवे सी यू, बाय. हेलो एवरीवन, सो इट्स टाइम फॉर सम वर्कआउट. हेलो एवरी वन, सो इट्स टाइम फॉर सम वर्कआउट राइट नाउ. आई एम मेकिंग श्योर कि जब मैं घर पर हूँ तो मैं एटलीस्ट 15 to 20 minutes वर्कआउट करूँ. एंड आई हैव शेयर फ्यू वर्कआउट्स ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज. ऑल्सो आई विल लिंक वन वीडियो राइट हियर. सो आई वोंट बी एबल टू शो यू लाइक द होल वर्कआउट एंड एग्जैक्टली, बट वॉट आई कैन सजेस्ट यू इज कि आप कुछ भी वर्कआउट कर सकते हैं. लाइक ऑनलाइन इतनी सारी वर्कआउट्स हैं, ऐप्स हैं, बिकॉज you know maybe something works for me won't work for you. But मैं make sure करती हूँ because I don't have weights and all at home, so I make sure that you know I do yoga at home. So basically what I do is I just see any of the workouts on my laptop and yeah, so I just open any of the workouts and today it is for 28 minutes. So this is what I'm gonna do and yes, time for some workout and I'll see you after the workout. It's very good to work out during this time and best time kyunki ab tak kha rahe hai na, workout karna bahut zaruri hai. To theek hai, let's get started with the workout and yeah, I will see you actually after my workout. So tara bits and pieces mein kuch dikha dungi. Bye. I know that you're curious, I know that you're strong, but life can be furious and things can... So finally done with my workout. So, so hot. My God. Anyway, I will link her video, like one video in the, like the one I did in the description box below, and then you can follow her. Every day there's a new workout. So yes, now... it's time for sure. I am really liking how my day is going today. So I'm just gonna go take shower and is shower ke baad only I kind of do my night skincare routine types and then we gonna just make a snack for ourselves. So even though I'm exercising, aisa nahi ki main kuch nahi kha rahi hu because you feel like having something yummy. So today I'm gonna tell you this easy psych recipe. तो वो आपके घर पे आप इजीली बना सकते हो और आपको अच्छा लगेगा. तो अभी मैं जाऊँगी शार्क के लिए एंड देन आई गो. बट हाँ, आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक श्योर दैट प्लीज़ ड्रिंक एटलीस्ट 3 liters ऑफ वाटर एवरी डे बिकॉज आई एम डूइंग दैट. एंड या टाइम टू पैक एवरीथिंग, ऑल द स्टफ आई नीड टू पैक. एंड ऑल्सो आई एम नॉट समवन हु sweats a lot or basically yoga is something that calms me down because I generally tend to, I'm not a very calm person, so I generally tend to panic and all. So isliye I do yoga at home to thoda se isse calm down ho jati hu. So I don't sweat but yeah, I had fun. So it was a good workout. I can feel ki kuch workout kiya hai. So see you after the shower. Bahut boliya, see you after the shower. हेलो गाइस, सो मैं शॉवर ले चुकी हूँ एंड इनटू माय नाइट सूट नाउ. सो दिस इज व्हाट आई डू, मैं अपने वर्कआउट के बाद जनरली नाइट सूट पहन लेती हूँ एंड राइट नाउ यू आर इन माय किचन. और मेरा पता नहीं समहाउ मेरा क्रिम जो है वो ऑलमोस्ट निकल गया एंड आई हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस, इट्स डिस्ट्रैक्टिंग. एनीवे, तो आज मैं आपको एक बहुत ही ईजी सा स्नैक बनाना सिखा रही हूँ. फॉर दैट यू वुड नीड
ओके पहले मुझे सामान लाने दो फिर मैं बताती हूँ व्हाट ऑल वुड यू नीड. पहले मुझे सामान लाने दो फिर बात क्या चाहिए. ठीक है सी यू सून. सो आई एम राइट हियर. सबसे पहले मैं आपको दो तरह के बिस्किट स्नैक्स बता रही हूँ. सो फॉर दैट यू वुड नीड दिस these Monaco biscuits and it's very very easy. आप बहुत easily बना सकते हैं. तो जो first तरीका है उसके लिए you would need cucumber. तो मैंने already जो है cucumber को भीगे कर दिया है. and then you would need some cheese. so yeah that's all. so let's get started with our first one and yeah let's get started. so as please राइट है तो मैं इनको बस जो कुकम्बर है मैं उसको स्लाइस करूंगी अभी. This one else this is gonna look like this and it tastes really really yum. And now I'm gonna teach you how to make the second one. So and it tastes yummy. So for second one you would need corns and मैं record कर रही थी पर वो record नहीं हो पाया. So all you have to do is कि आपको corns लेने हैं. उसमें आपको southwest thousand island please focus दिख ही रहा होगा thousand island और मैं ऑनेस्ट डाल के आपको इसे इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है. एंड लेट मी शो यू द नेक्स्ट स्टेप नाउ. रेडी. सो अब खाने का टाइम है. ऑल्सो आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट आफ्टर माई वर्कआउट आई हैड फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स. सो आई एम गोना मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दैट व्हाट आई ईट इन अ डे. बट अभी तो हम खा रहे हैं ये एंड या सी यू आफ्टर दैट. हेलो सो बैक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम. मैं और शोभा एक ऐप पर गेम खेल रहे थे. शोभा वो कौन सी ऐप थी जिसपे हम गेम खेल रहे थे? हाउस पार्टी. हाउस पार्टी और वो अच्छी ऐप थी. इट वाज नाइस. तो हम लोग उस पर गेम खेल रहे थे और फिर हमने टाइम पास किया. अब है डिनर टाइम. सो एक्चुअली देर इज़ नॉट मच टू डू एट होम. और ऑल्सो मैंने यहाँ पर दिस स्पॉट ट्रीटमेंट काइंड ऑफ स्टिकर लगाया है. मैं उसका डिटेल या लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो यू गाइस कैन चेक दैट आउट. इट रियली हेल्प्स. वो आई थिंक बिलीव का है या फेस शॉप का है. सो आई रियली लाइक दैट प्रोडक्ट. इट रियली हेल्प्स टू स्क्वीज आउट योर पिम्पल बेसिकली. एंड येस नाउ इट्स डिनर टाइम. सो नॉट डिडंट डू मच. शुभा व्हाट वाज दैट? Anyway, see you after dinner. फिर end कर दूंगी vlog and I hope you guys are liking it. Not much to do but I just wanted to share a few things. So yeah, see you in a while. लिया है एंड राइट नाउ प्रतीक कुहर इज लाइव. आई लव 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 हिज सॉन्ग्स. सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना लिसन टू हिम लाइव एंड साथ साथ मैं बर्तन धुलवा रही हूँ. सो यस हैप्पी अबाउट दैट. और 15 मिनट्स में चला जाएगा. सो वी हैव टू डू इट रियली फास्ट. लेट्स गो. आई डिडंट थिंक दैट वी कुड बी टुगेदर. एम आई लिविंग इन अ फैंटेसी? Is this for real? Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. Never thought that you could fall for someone.
someone like me. Never thought that you could fall for me, for someone like me. शुभा तुझे पता है उसने वो गाना गा दिया जो मैंने उसे कहा था, मतलब मेरे कहने पे नहीं पर उसने गा दिया वो गाना. ठीक है, उसी गाने सुन के बाय. Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world out. Let's hang out. Oh, I used to see in colors, now it's gray. Till I met you at the concert the other. So, Prateek Kuhar ka concert. So finally, Prateek Kuhar, just when Shobha is not letting me talk. तूने खाना खा लिया? हाँ. तूने खाना खा लिया? Fishing. नहीं, क्यों? मुझे लगा तू खा चुका होगा. Fishing क्या करेगा? कुछ ऐसे. ऐसी? मैं actually Prateek Kuhar को live सुन रही थी उसे गाने और मुझे उसे गाने बहुत पसंद हैं. खत्म हो गया? खत्म भी हो गया. Sunlight. 9 o'clock था. Waters on before you leave. Anyway, say hi to my vlog. I'm vlogging today. Hi. Mm-hmm. Hi. दिख नहीं रहा तो अब दिख रहा है. Hi. Hello guys. So I'm back. The live thing is ended like Pratika and it was fun. I'm so happy. You know. I really like his songs. उसके songs सुन के मुझे बहुत मज़ा आया and that's what I did. That's all for my day today. So I try कि every day I do some other activity and in case you have something, please tell me कि आप लोग क्या क्या कर रहे हो in the comment section below. So I can also try that. I really really want to draw, paint, color, कुछ तो करना है but I don't know. It's not just starting. So I'll try and right now it's 10:15. So I will just watch Friends and इस time पर generally I watch Friends for an hour or so or maybe more than actually 4 episodes तो मैं देख ही रही थी, so around 2 hours and then I do this little video chat with my friends and yeah, that's all for my day and then I go to sleep and again the same thing. I hope you guys like this vlog and please let me know in the comment section below what do you wanna watch next and what all videos I can do at home so that मैं आपके लिए बना सकूँ and I will definitely do that. So please let me know and I would happily do that. I hope this vlog was helpful or you know I entertained you during this vlog and you liked it. There was not much to do but yeah, that is how I am spending my time at home. So yeah, and please let me know कि आप लोग घर पे क्या क्या कर रहे हैं. And I hope you guys like this vlog. If you liked it, give me a big thumbs up. Subscribe to my channel and also मेरा yoga का video and जो भी cooking वाला videos होगा ना वो मैं आपको link नीचे share कर दूँगी. So definitely go and watch it. Might help you. So yeah, subscribe to my channel. I will see you very very soon. And bye bye. Good night.